कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। इस प्रश्न के हमें 5 भाग दिए हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैं इस प्रश्न के 4 भाग आपको पढ़ा चुका हूँ। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उन सवालों को भी देख सकते हैं। तो हमारे पास बचता है लास्ट पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट हमें दिया है 27 पी की घात 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी की घात 2 प्लस 1/4 पी। इसके भी हमें क्या करने, गुणनखंड करने। कैसे करेंगे, जैसे हमने अन्य 4 पार्ट सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे। कौन सी सर्वसमिका लगाएंगे, तो यहाँ हमें बहुपद से ही पता चल रहा है कि इसमें सर्वसमिका लगेगी a माइनस बी का होल क्यूब। जब a माइनस बी के होल क्यूब को खोलते हैं तो हमें इसके RHS में मिलता है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3 a की घात 2 b प्लस 3 a b की घात 2। इस बहुपद को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम इस बहुपद को इस फॉर्म में लिख लेंगे तो हमें इस बहुपद के गुणनखंड मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, इस बहुपद को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पहला जो पद दे रखा है वो घात 3 का दे रखा है, तो यहाँ हमारा 27 पी की घात 3 ये पहला पद है। इसको हमें क्या करना, पूरे को घात 3 के रूप में लिखना है। यहाँ हमारा पी केवल घात 3 के रूप में है, 27 घात 3 के रूप में नहीं है। तो क्या करेंगे, पूरे को घात 3 के रूप में हम लिखेंगे। तो 27 पी की घात 3 को घात 3 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 27 होता है 3 का घन, ठीक है, और पी की घात 3 हो गया पी का घन। तो 3p को हम ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ घात 3 लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 3p गुणा 3p, तो हमें मिल जाएगा 27p की घात 3। माइनस लगाएंगे 1/216 को भी हमें घात 3 के रूप में लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे 1/6 की घात 3, ठीक है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/6 गुणा 1/6 गुणा 1/6, तो हमें मिल जाएगा 1 × 1 ऊपर और 6 × 36 36 × 216 नीचे, ठीक है। फिर हमने माइनस लगा लेना है। अब इस पद को इस तरह से लिखना है, और ये पद क्या होता है, 3 गुणा में पहले पद का स्क्वायर। ये हमारा क्या पहला पद है यहाँ पर, है ना, तो पहले पद का स्क्वायर और फिर दूसरा पद, बी क्या है दूसरा पद, तो यहाँ दूसरे पद का। तो यहाँ हम लगाएंगे सर्वसमिका का 3, फिर लिखेंगे पहला पद हमारा 3p लिख लिया, इसका स्क्वायर होता है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, फिर गुणा में बी यानी दूसरा पद है तो दूसरा पद हमारा 1/6, तो हमने यहाँ 1/6 लिख लिया और ब्रैकेट बंद कर दी। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 9/2p की घात 2, ठीक है। अगर ये मिल जाता है तो हमारी सर्वसमिका सही है। देखिए सॉल्व करते हैं, 3 ये ब्रैकेट हटाएंगे गुणा आ जाएगा, 3p की घात 2 का मतलब क्या, 3p गुणा 3p, ठीक है, ये ब्रैकेट हटाएंगे फिर गुणा आ जाएगा और हमारा हो जाएगा यहाँ 1/6। तो 3 से ये 6 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारा क्या बचा, 3 × 3 = 9 और 9 × 1 = 9, ठीक है, और नीचे संख्या हमारी बची 2, और साथ में क्या बचा, p × p, तो ये हो जाएगा p की घात 2। तो हम 9/2p की घात 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो वाला भाग है इसको हमें ऐसे लिखना है, ठीक, और ये भाग क्या होता है, 3 × पहला पद × दूसरे पद का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ हम प्लस लगाएंगे और सर्वसमिका का 3, फिर पहला पद है हमारा 3p गुणा में दूसरे पद का वर्ग, ठीक है, दूसरा पद 1/6, तो इसका वर्ग। इसको सॉल्व करने पर हमें पुनः यही चीज़ मिल जाएगी। देखिए सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 3 ब्रैकेट हटाएंगे गुणा आ जाएगी, फिर 3p लिख लेंगे, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट हटाएंगे गुणा आ जाएगी। अब यहाँ घात 2 है तो इसका मतलब 1/6 गुणा 1/6, ठीक है। तो 3 × 2 = 6, फिर 3 × 2 = 6, तो ऊपर हमारा बचा 1 × 1, तो 1 लिख लिया, नीचे बचा 2 × 2 यानी 4, और साथ में बचा है हमारा p, ठीक है। तो हम 1/4p को इस तरह से लिख सकते हैं, क्लियर हो गई बात। अब एक बात सोचिए, अगर सर्वसमिका का ये वाला भाग आपको दिया है, ठीक है, ये वाला भाग यहाँ आप देख सकते हो, इस चीज़ को हमने इस तरह से लिख लिया, और ये कौन सी फॉर्म हो गई, इस सर्वसमिका का RHS हो गई, ठीक है ना। अगर हमें सर्वसमिका का ये भाग दिया है तो इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे या इसको बंद करेंगे तो हमें पुनः क्या मिल जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। अब हमें इसको बंद करना है, तो इसको बंद करने पर हमें क्या मिलेगा, इसमें पहला पद यानी a हमारा 3p हो जाएगा और b हो जाएगा 1/6, तो हम क्या करेंगे, 3p − 1/6 लिखेंगे और इसका होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। अब इसको 3 बार लिख लेंगे तो ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ बराबर का निशान लगाकर इसको 3 बार लिख देता हूँ, 3p − 1/6, फिर 3p
माइनस एक बट्टा छः और फिर 3p माइनस एक बट्टा छः। तीन बार क्यों लिखा, क्योंकि घात 3 है, ठीक है, यही गुणनखंड हो जाते हैं। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।